हेलो एवरीवन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शाही ट्यूटोरियल टुडे वी विल डिस्कस अबाउट किंगडम प्लांटिंग तो आज का जो हमारा टॉपिक है जिमनोस्टम जो कि किंगडम के इंक्लूड आता है उसमें हम डिस्कस करेंगे जिम्नोस्टम में जिसमें नेग सीड आते हैं ठीक है और फर्स्ट ऐसा प्लांट हैं प्लान किंगडम का फर्स्ट ऐसे आ, सब uh, किंगडम uh, है जिम्नोस्पम जिसमें सीड बियरिंग प्लांट्स होता है ओके okay? तो हम इसकी बात करते हैं स्टार्ट करते हैं जिम्नोस्पम को जिम्नोस्पम uh, क्या होता है इसमें जिम्नोस और इस्पमा टू वर्ड से मिलकर बना है जिम्नोस एंड सीड इसका जो सीड होता है वो नेक्ड होता है ऑब्वियसली सीड इनक्लोज बाई फ्रूट सेम मैच, ओब्यूल इनक्लूज बाई तो इसमें ओबरी वॉल नहीं होती है और ओनली क्या होती है ओब्यूल होती है और ओब्यूल क्या होता है मेच्योर होने पर सीड बनता है ठीक है तो फर्टिलाइजिंग प्रोसेस भी इसमें होती है पॉलिनेशन होता है ठीक है बट जब पॉलिनेशन होता है और जब फोस्ट फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट की स्टेज आती है तो उसमें ओब्यूल की कोटिंग होती है इसलिए सीड नेक्ट रह जाता है और नेक्ट सीड होने की वजह से वो कहते हैं जिम्नो स्पॉम्स इंक्लूड मीडियम साइज ट्रीज समार टॉल ट्रीज एंड स्रब्स वन जिम्नो द जाइंट रेडवुड ट्री स्क्वा इज वन ऑफ द टॉलेस्ट ट्री स्पीसीज ओके तो स्क्वा क्या है एक टॉलेस्ट ट्री, ट्री स्पीसीज है जिम्नो की ठीक है तो रूट जो होती है इसकी वो फंगल के साथ एसोसिएशन करती है और क्या बनाती है माइकोराइजा ठीक है फाइंग की जो रूट होती है वो तो फंगल के साथ एक एसोसिएशन बना के माइकोराइजर एसोसिएशन बनाती है ओके एंड सम टाइप्स ऑफ सच एज साइकल्स साइकल स्मॉल स्पेशलाइज्ड रूट कॉल्ड कॉल्ड्स रूट ठीक है साइकल्स क्या होती है स्मॉल स्पेशलाइज रूट्स होती हैं जिनको हम कोलोइड्स रूट्स कहते हैं ठीक है तो जो, जो कोरोलॉइड रूट्स है वो एसोसिएट किसके लिए होती है नाइट्रोजन फिक्सिंग साइनोबैक्ट के साथ एसोसिएशन करती है ओके तो जिम्नोस्पर्म्स के प्लांट का साया एक नाइट्रोजन फिक्सेशन यानी कि एक नाइट्रोजन फिक्सेशन एसोसिएशन भी है और एक फंगल एसोसिएशन भी है ठीक है और जो जिम्नोस्पर्म्स है इसकी जो लीव्स होती है वो क्या होती है एक वेल एडप्टेड होती है ठीक है एक्सट्रीम टेंपरेचर ह्यूमिडिटी और विंड में के लिए अच्छी एडप्टेशन उनके पास होता है ठीक है और जो इनके कोनिफर से होते हैं मींस जैसे पाइन है ओके उनकी जो लीफ होती है नीडल लाइक होती है ये ठीक है पाइन लीफ नीडल लाइक स्ट्रक्चर ओके तो ये क्या करती है नीडल लाइक जो लीव्स रिड्यूस द तो सरफेस एरिया को रिड्यूस करती है ओके तो इससे क्या होता है कि जो आ, इनमें जो क्यूटिकल हैं और जो है वो हेल्प ये करते हैं वाटर लॉस को रिड्यूस करते हैं इसीलिए ये प्लांट्स क्या होते हैं जीरोफाइटिक प्लांट्स होते हैं ओके क्योंकि वाटर एब्जोशन प्लेस जीरोफाइटिक कंडीशन में है तो ऑब्वियसली लॉस ऑफ वाटर भी क्या है लेस है ठीक है तो ये कोनीफर पाइन प्लांट ये साइकल्स और ये गिंको ठीक है तो ये क्या हो गई स्पम जिम्नो ठीक है इनके पास भी नेग्ड ओव्यूल सीड होगा इनके पास भी नेग्ड मेन से पाइन के पास साइकस के पास एंड गिगो के पास भी नेग्ड सीड नेक्स्ट हम बात करते हैं जो जिम्नो स्पम से होते हैं वो हिट्रोस्पोरस होते हैं प्रोड्यूस हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर एंड मेगास्पोर you know यू नो वर्ड माइक्रोस्पोर जो मेल गैमेट एंड मेगास्पोर फीमेल गैमेट जो स्पोर्स होते हैं ठीक है ये स्पोर्ट्स इसके जो क्योंकि ये एक डेवलपिंग प्लांट है ठीक है इसमें माइक्रोस्प्रोफाइल एंड मेगा स्प्रोफाइल्स होते हैं जो कि मेल एंड फीमेल गैमेट्स को प्रोड्यूस करने में हेल्प करते हैं ओके एंड देन इनमें फिर क्या होता है पोलन फॉर्मेशन होती है पोलन फॉर्म होने के बाद पोलन ग्रेन डेवलप होते हैं पोलन ग्रेन डेवलप होते हैं माइक्रोस्पोर इंजिया में माइक्रो ओके माइक्रो स्पोरजिया डेवलप पोलग्रेन मेगा मेगा स्पोरेंजियल वो बिल्कुल डेवलप होता है एंड देन फिर उनके अंदर एग एंड पॉलन ग्रेन्स के बीच में क्या होता है फ्यूजन ओके okay? उनके बीच क्या होता है ना फ्यूजन होता है और फ्यूजन होने से पहले पॉलिनेशन होता है और पॉलिनेशन क्या होता है मोस्टली क्रॉस पॉलिनेशन होता है ओके क्रॉस पॉलिनेशन इसलिए होता है कि मोस्टली प्लांट्स आर यूनिसेक्सुअल मींस बोथ मेल एंड फीमेल रिपोडिव ऑर्गन फाउंड इन डिफरेंट लोकेशन ओके तो जो रिपोर्डक्शन uh, इसमें होता है सेक्सुअल रिपोडक्शन ओनली सेक्सुअल रिपोडक्शन इसमें होता है कि इसमें जिम्नोइॉर्म्स में मीन्स मेल एंड फीमेल गेमेट फॉर्म होती है बोथ गेमेट एंड फर्टिलाइजिंग प्रोसेस रिजल्ट जायगोड एंड जायोड होने के बाद फिर क्या होती है माइटोसिस होती है माइटोसिज होने के बाद एक प्लांट बॉडी बनती है ठीक है तो इसकी स्पेशलिटी भी है जायोर्ड डेवलप हो जाता है

spruce you know what pine every person know about pine because pine found in India all over India in other foreign country ginkgo fell like leaves okay and uh, grow well even in in pollution in cycads, tropical large leaves yeah uh, this structure is cycas. you know so types of gymnosperms एंड ऑल्सो जिम्नोस्पम्प टाइप्स और भी हैं ये जो साइकस uh, है उसको हम साइकोपीडा कहते हैं एंड uh, जो पाइन uh, है उनको हम कूनिफेप कहते हैं ओके okay? एंड uh, जो नेक्स्ट हमारा आता है जेनोप्टिडा आता है ठीक है तो इस तरह से क्या है कि जो जिम्नोस्टम्स है ये इसका एक, एक ब्रीफ टाइप है एंड इसका डिस्क्रिप्शन पूरी तो एक बुक है ठीक है उसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें आपको एक अलग जिम्नोस्पर्म्स की पूरी एक डिटेल मिलेगी अब तो हम केवल इसका एक फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन है का उसकी डिस्कशन के अकॉर्डिंग हम इसको डिस्क्राइब कर रहे हैं ओके थैंक्स फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल साइट टू ओके